आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाकर पवित्र आत्मा का आह्वान करें। करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आइए, विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए, अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए, मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए, मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए, मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए, मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए, मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए, मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए, मेरे खोखलेपन को भर दीजिए, मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए, मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए, आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें, यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव को रूप धारण किया, हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप मां मरियम एवं शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए, उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार और पवित्रता के स्रोत आकर हमें शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए कि हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें, आमीन। विश्वासियों के निवेदन, आइए हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पवित्र आत्मा को उनके वरदानों और फलों के लिए धन्यवाद दे सकें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप आंख के समान जीभ का रूप धारण कर धन्य माता मरियम और प्रेरितों पर उतरे और उन्हें आपने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया था, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप
ने प्रेरितों को अपने वरदानों की आशीषों से भर दिया, उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपने अनेक लोगों को प्रभु का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम निरंतर कलीसिया में निवास करते हुए संत पिता फ्रांसिस और धर्माध्यक्षों की मदद करते हैं ताकि वे कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच निवास करते हैं और हमें पवित्र करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पाप में हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए जो नबी एजेकेल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उन्हें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमय माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। चिकी
पवित्र आत्मा
संसार
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है, ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सकें, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति हैं। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूँ। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूं एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके पास घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता पुत्र का आत्मा हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें आत्मसंयम का वरदान दे। हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की कृपा दे ताकि हम कुछ क्षणों के उत्साह में दूसरों को चोट ना पहुंचाए। हमारे हृदयों से बुरी सोच और जलन की भावना निकाल दे। हमारी सहायता करके अपनी भावनाओं और लालसाओं में विजय पाकर हम आत्मसंयम बने और इसके द्वारा अपने भाई बहनों को प्यार कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आ मुझ पर। ज्ञान की वर्षा करने तू उतर आ, ज्ञान की वर्षा करने तू उतर आ। वरदान देने तू उतर आ, वरदान देने तू उतर आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।